नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनू स्वागत छे। शुरुआत करिए मुख्य समाचार थी। दुनिया की नजर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वच्चे व्हाइट हाउस में योजनार मुलाकात पर। सुरक्षा भागीदारी, व्यापार, आतंकवाद जेवा मुद्दे थशे द्विपक्षीय बातचीत। भारत शांतिप्रिय देश था, जो कोई एने छंछेड़े तो जड़बातोड़ जवाब आपवानो जणावता पीएम मोदी। वर्जीनिया में भारतीय समुदाय तथा उद्योगपतियों ने कर्यु संबोधन। भारत में मूड़ीरोकाण फायदेमंद होवानो आप्यो भरोसो। यूएई में छेल्ला बे महीनाथी फसायेला गुजरातना 13 खलासीओने मादरे वतन पाछा फरवाना समाचारना पगले परिवारजनोमां राहत अने खुशीनो माहोल। वाहन में आग लागवाथी फसायेला खलासीओने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत पहुंचाड़वानी कार्यवाही पूर्ण। टूंक समय में नर्मदाना नीर वेरावड़ सोमनाथ सुधी पहुंचाड़वानी मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणीनी हैयाधारण। जूनागढ़ जिल्लाना परबधाम खाते जणाव्यु, खेडूतनु हित छे सरकारना हैये। तालुके तालुके नंदीघर स्थापी गीर कांकरेज वंशनी गाय पूरी पाड़वानो आप्यो कोल। दक्षिण गुजरात में भारे वरसाद। वलसाड़, उमरगाम, नवसारी में जनजीवन अस्तव्यस्त। जलालपुर माछीवाड़ गामे भरतीना पाणी गाम में भराता जलबंबाकार। जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ सहित सौराष्ट्र में मेघराजा की जोरदार बैटिंग। पवित्र रमजान मास पूरो थता ज विश्वभर में ईद की उत्साहभेर उजवणी। गुजरात में मस्जिदों में विशेष नमाज नु आयोजन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपी रमजान ईद की मुबारकबादी। वेस्टइंडीज सामेनी बीजी वनडे मैच में भारत ने 105 रने शानदार विजय। अजिंक्य रहाणे की सदी की मदद की भारत द्वारा अपायेला 311 रन विजय लक्ष्य ने आंबा में वेस्टइंडीज निष्फल। जोईए समाचार विगतवार। समग्र विश्व की नजर आज प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में योजनार मुलाकात पर है। बने नेताओं वच्चे आज पहली बार मुलाकात थशे। प्रधानमंत्री ने ट्रंप वच्चे आतंकवाद, H-1B वीजा, चीनना वन बेल्ट वन रोड योजना, दक्षिण चीन सागर सहित मुद्दाओं पर बातचीत थशे। अमेरिकाना पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा साथे पण पीएम मोदी की मित्रता साक्षी विश्व बन्यु हतु। प्रधानमंत्री मोदी अत्यार सुधी 4 वक्त अमेरिका प्रवास कर चुक्या छे। आ तेमनी 5मी मुलाकात छे, जो कि डोनाल्ड ट्रंपना राष्ट्रपति बन्या बादनी तेमनी आ पहली मुलाकात घणी महत्वनी मनाई रही छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए पोताना विदेश प्रवासना बीजा पड़ाव में अमेरिकाना वॉशिंग्टन पहुंचा था, ज्यां तेमणे भारतीय समुदाय लोकोने संबोधन कर्युं। प्रधानमंत्री आ सम्मेलन में अप्रत्यक्ष रूपे पाकिस्तान अने चीनने चेतवणी आपी। तेमणे कह्युं कि भारत ज्यारे सर्जिकल स्ट्राइक करे छे त्यारे समग्र विश्वने भारतनी ताकातनो अंदाज आवे छे। विश्वना कोई देशोए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाव्या नथी। प्रधानमंत्री आ साथे कह्युं कि छेल्ला 3 वर्षथी सरकार पर भ्रष्टाचारना दागथी मुक्त छे, सरकार चलावानी रीत पण बदलाई छे। आ उपरांत तेमणे एम पण कह्युं कि अनेक देशवासीओए एकवारनी विनंतीमां ज गेस सबसिडी छोड़ी दीधी, जेनाथी गरीबोने मदद मळी रही छे। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वॉशिंग्टन में अमेरिका मोटा उद्योगपतियों सम्मेलन में भाग लीधो हो, जेमा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सहित अनेक कंपनियों सीईओ साथ रोकाण और रोजगार मुद्दाओं पर चर्चा करी। प्रधानमंत्रीए सम्मेलन में कंपनियों सीईओ ने भारत में व्यापार की तकों अंगे माहिती आपी और जणाव्युं कि भारत में रोकाण करवू ए फायदेमंद छे। प्रधानमंत्रीए कह्युं कि भारतनो विकास भारत और अमेरिका बंने देशों की बराबर भागीदारी रजू करे छे। अमेरिकी कंपनियों भारत विकास में योगदान माटे अनेक अवसरो छे। गूगलना सीईओ सुंदर पिचाईए प्रधानमंत्री साथे थयेली बातचीत ने सार्थक गणावी छे।
यूएई में छेल्ला बे महीना गुजरात कच्छना 13 खलासीओ फसाया था। तेमने कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत परत मोकलवानी तमाम कामगीरी पूर्ण करवामां आवी हती। खलासीओना वाहन में आग लागी हती, तेथी तेओ फसाई गया हता ने वाहनना मालिके खलासीओने कोई ज मदद करी नहीं। त्यारे कॉन्सुलेट जनरलना विशेष रस अने प्रयत्न थकी आ खलासीओ टूंक समय में ज मादरे वतन पाछा फरशे। आ अंगे वधु माहिती मेळवी अमारा भूज संवाददाता कौशिक कंठेचा पासेथी। जी कौशिक। चौक्स 22 एप्रिल रोज दुबई सरजहाना खाली पोर्ट पर कच्छना मांडवी चलाया एमएसवी अलहमद 01 कार्गो भरेल जहाज लांगरेल दरमियान जहाज में भीषण आग लागी थी। आग लागवाना बनावना कारणे 13 जेटला क्रू मेम्बर ने सतर्कताना कारणे बचाव थयो हतो। तमाम 13 क्रू मेम्बरो छे ते मांडवीना सलायाना वतनी हता। त्यारबाद तमाम क्रू मेम्बर ना पासपोर्ट सहित जरूरी पुरावा बढ़ी खाक जहाज में खाक थी गया था। जहाज मालिके तमाम क्रू मेम्बर ने परत भारत मोकलवा माटे अने दुबई में कोईपण जातनी वहीवटी प्रक्रिया में मदद करवा माटे मनाई फरमावी दीधी थी। त्यारबाद दुबई स्थित कॉन्सुलेट जनरल इंडियाए तेमने परत भारत लावा माटे तमाम वहीवटी प्रक्रियाओं में मदद करी थी। लगभग 2 महीना सुधी तमाम क्रू मेम्बर दुबई में स्थित निभाव खर्च सहित कॉन्सुलेट जनरल इंडियाए आप्यो हतो। त्यारबाद दुबई में वहीवटी प्रक्रियाओं पूर्ण करी तमाम क्रू मेम्बर एक्जिट वीजा परत करावा माटे अने फ्लाइट नी जे टिकिटो छे ते पण कॉन्सुलेट इंडिया द्वारा व्यवस्था करवामां आवी हती। खास के कॉन्सुलेट जनरल इंडिया ना मानवीय अभिगम रूपना कारणे आजे ईद ना दिवसे तमाम क्रू मेम्बर भारत परत फर्या छे अने तमाम ना परिवारों में खुशी नी लागणी जोवा मळी छे। तो कही शकाय के तमाम परिवार ना आजे खरेखर ईद नी ईदी मळी छे। खूब खूब आभार कौशिक। समाचार में आगळ वधीए। देशभर में आज ईद उल फित्रनी उजवणी कराई रही है। पवित्र रमजान मासना छेल्ला दिवसे चांद देखाता समग्र देश में आज मुस्लिम बिरादरो ईदनी उजवणी करी रह्या छे। मुस्लिम बिरादरोए मस्जिदों में ईदनी नमाज अदा करी एकबीजाने ईदनी शुभकामनाओ पाठवी। तो राष्ट्रपति अने प्रधानमंत्रीए पण ईद उल फित्रनी शुभकामना देशभरना मुस्लिम बिरादरोने आपी। प्रधानमंत्रीए ट्वीट करता कह्युं के आवा पवित्र पर्वथी खुशीओ फैलावा अने देशने आगळ वधवानी प्रेरणा लेवी जोईए। तेमणे भारपूर्वक कह्युं के भारतनी विविधता ज तेनी विशेषता अने ताकात छे। गुजरातमां पण उत्साहभेर ईद उल फित्रनी उजवणी थई रही छे। मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणीए अषाढ़ी बीज निमित्ते जूनागढ़ना यात्राधाम परबधाम खाते हाजरी आपी हती अने विशाळ भक्त समुदाय ने संबोधन करता कह्युं हतुं के टूंक समय में नर्मदाना नीर वेरावळ सोमनाथ सुधी पहोंचाडवा माटे सरकार कटिबद्ध छे। मुख्यमंत्रीए प्रत्येक तालुका में नंदीघर स्थापवानी नेम व्यक्त करी हती, जेनाथी राज्यभरना दरेक गामडामां गीर अने कांकरेज ओलादनी गायनी मूल्यवर्धित चीज वस्तुओ नागरिकोने मळी शकशे। आ उपरांत मुख्यमंत्रीए एम पण जणाव्युं के तेमना हैयामां खेडूतोनुं हित प्रथम स्थाने छे, माटे ज राज्य सरकारे मगफळी अने तुवेर दाळनी टेकाना भावे खरीदी करी छे। साथे ज डूंगळी अने बटाटाना वधता जता भाव रक्षण सामे खेडूतोने 100 करोड़ रूपियानी फाळवणी करी छे। मुख्यमंत्रीए संत देवीदास बापु अने मां अमरमानी समाधि स्थाने जईने दर्शन करी धन्यता अनुभवी हती। અને આવનારા થોડા સમયમાં ઠેર વેરાવળ સોમનાથ સુધી પહોંચાડી બધા લોકો ચેકમો તાવ એ કાયમને માટે ભરેલા હોય અને ખેડૂતોને પાણી મળતું હોય અને એના આધારે એક હરિયાળી ક્રાંતિ સર્જાય એના માટે સરકાર આગળ વધી રહી છે। अषाढ़ महीनाना प्रारंभे ज गुजरातना केटलाक भागमां मेघमहेर थता लोकोमां आनंद व्यापी गयो हतो। दक्षिण गुजरात ने 2 दिवसथी धमरोड़ी रहेला वरसादथी वलसाड, नवसारी, जलालपोर, चिखली, केरगाम, गणदेवी, उमरपाड़ा, वापी, डांग, दादरा ने नगर हवेलीमां पण नोंधपात्र वरसाद खाबक्यो हतो अने ठेर ठेर पाणी भराई गया हता। तो आ तरफ भिलाड़ना दारूठा खाड़ी में पूरनी स्थिति सर्जाई हती। सरीगा में वरसादी पाणी फरी वळता लोकोने मकाननी छत पर आशरो लेवो पड्यो हतो। घरों में पाणी घुसी जता घरवखरीने नुकसान पहोंच्यु छे। आ तरफ तापी आसपासना विस्तारों में 17.5 इंच जेटलो वरसाद खाबक्यो छे, जेथी जनजीवन अस्तव्यस्त थयु छे। गुजरात में धीरे धीरे चौमासु सक्रिय थई रह्यु छे। त्यारे अषाढ़ी बीजना रोज छोटाउदेपुर, संखेड़ा, भरूच, भावनगर, महेसाणा, गीर सोमनाथ, ऊना, देलवाड़ा तथा गीर गढ़ामां अने साबरकांठामां तथा अरवल्ली, मोड़ासा, शामळाजी, तलोदना, रणासण, मोहनपुर, नवा गुदिया अने मोढुकामां गाजवीज साथे वरसाद पड्यो हतो, जेना लीधे खेडूतोमां आनंद व्यापी गयो हतो अने गरमीमांथी पण लोकोए राहत अनुभवी हती। तो राजकोटना धोराजी, मोरबी खाते पण सांजथी हळवो वरसाद शरू थयो हतो। जामनगर में पण सांजना समय काळा डिबांग वादळो चढ़ी आवता तथा बाद में वरसाद थता वातावरण में ठंडक व्यापी गई थी।
અમદાવાદમાં પણ ગઈકાલે ક્યાંક ક્યાંક અમી છાંટાણે બાદ કરતા ક્યાંક વરસાદ થયો ન હતો. દરિયાના મહાકાય મોજા ઉછળતા નવસારી જિલ્લાના જલાલપોર તાલુકાના બોરસી માછીવાડ ગામે ભરતીના પાણી ગામમાં ભરાઈ ગયા હતા. ભરતીના પાણી ગામમાં ન ઘૂસી જાય તે માટે 20 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે પથ્થરની બનાવેલી પ્રોટેક્શન વોલ પણ દરિયાના પાણીને ગામમાં ઘૂસતા અટકાવી ન શકી. આ પરિસ્થિતિને પગલે વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓ દરિયાકાંઠે પહોંચ્યા હતા અને ગામમાં વધુ પાણીનો ભરાવો થાય તેવા સંજોગોમાં ગ્રામજનોને કેવી વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરાવી તેમજ ગ્રામજનોને કયા સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા તે અંગેની વ્યૂહરચના ઘડી હતી. જોકે દરિયાના પ્રચંડ મોજા ઉછળતા જોઈને તેમજ પાણી ગામમાં આવી જવાથી ગ્રામજનો ભય અને ચિંતામાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. થોડી થોડી ભરતી ચાલુ છે, આજે બીચ છે એટલે ભરતીનું પ્રમાણ વધુ છે. આપ દરિયો પાછળ છે જોઈ શકો છો, જેમ સમય જશે તેમ મોજા વધુ આવતા જાય છે. ગામ લોકોને સાવચેત કરેલ છે. એવું છે કે આપણા ગામના લોકો વ્યવસ્થિત અને યોગ્ય પગલા લઈ એના માટે દિવાલ બિવાલ બનાવી દીધી છે હાલમાં તો. વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદની તોફાની બેટિંગ શરૂ થઈ છે અને સતત વરસાદનું જોર ચાલુ જ છે. તે દરમિયાન ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા હતા અને ઠેર ઠેર પૂર જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી, જેમાં 9 લોકોને જિલ્લા તંત્ર દ્વારા રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા હતા. સતત વરસાદથી ઉમરગામમાં તાલુકાના ભીલાડ ગામે આવેલી દરોઠા ખાડીનું પાણી માલાફળિયાના એક મકાનમાં ઘૂસી જતા ઘરના 9 લોકોએ છત ઉપર રાત્રિ વિતાવી પડી હતી. વહેલી સવારે આ ઘટનાની જાણ પોલીસ તથા ફાયર વિભાગને કરતા પોલીસ તથા ફાયર વિભાગના જવાનો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને દોરડા બાંધીને આશરે 1.5 કલાક જેટલા સમયમાં ફસાયેલા તમામ 9 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. સાથે સાથે 15થી વધુ બકરીઓને પણ બચાવી લેવામાં આવી હતી. ગામના માણસો જોડે માણસોને રેસ્ક્યુ કર્યા છે, કમસે કમ 14 માણસોને રેસ્ક્યુ કર્યા છે અને ધોર ધાખરા બકરા લોકોને પણ સહી સલામત બહાર કાઢ્યા છે. બોટાદ જિલ્લાના ગઢડા ખાતે બાંધકામ શ્રમયોગી સંમેલન યોજાઈ ગયું, જેમાં કેબિનેટ મંત્રી આત્મારામ પરમાર તેમજ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડના અધ્યક્ષ ડોક્ટર અનિલ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગરીબ કલ્યાણ વર્ષ નિમિત્તે યોજાયેલા સંમેલનમાં 419 બાંધકામ શ્રમિકોને રૂપિયા 22.94 લાખની સહાયના ચેક વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા. અશ્રમયોગી સંમેલન માટે 1000 જેટલા ભાઈઓએ નોંધણી કરાવી હતી, જેમને ઓળખ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા હતા. તો પુરવઠા વિભાગ દ્વારા બીપીએલ લાભાર્થીઓને ગેસ કનેક્શન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા હતા. સંમેલનમાં બોલતા આત્મારામભાઈ પરમારે ગુજરાત સરકારની લાભકારી યોજનાઓ અંગેની માહિતી આપી હતી, તેમજ જણાવ્યું હતું કે શ્રમયોગી પરિવારો સરકારની શ્રમયોગી કલ્યાણ યોજનાઓના સંદેશાવાહક બને તે જરૂરી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે રાજ્યમાં બાંધકામ પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા પરિવારો આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ બને અને તેમના દીકરા દીકરીઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી વિકાસની દિશામાં આગળ વધે તે માટે રાજ્ય સરકારે 27 જેટલી યોજનાઓ અમલી બનાવી છે. ટીમ ઇન્ડિયા અને વેસ્ટઇન્ડિઝ વચ્ચે પોર્ટ ઓફ સ્પેનમાં રમાઈ રહેલી બીજી વનડેમાં ભારતે 105 રનથી વેસ્ટઇન્ડિઝને હરાવ્યું. આ સાથે જ 5 મેચની વનડે સિરીઝમાં ભારતે પહેલી જીત હાંસલ કરી. વરસાદના વિઘ્નને કારણે મેચ 43 ઓવરની કરી દેવાઈ હતી, જેમાં ભારતે પહેલી ઇનિંગ્સમાં 43 ઓવરમાં 310 રન બનાવ્યા હતા. 311ના લક્ષ્યાંકને પહોંચી વળવામાં વેસ્ટઇન્ડિઝની ટીમ નિષ્ફળ રહી અને 43 ઓવરમાં 6 વિકેટની નુકસાન પર માત્ર 205 રન જ કરી શકી. મેચમાં અજિંક્ય રહાણે સદી ફટકારી મેન ઓફ ધ મેચ બન્યો હતો. તો આ સાથે જ આ બુલેટિનની સમાપ્ત કરીએ છીએ. નમસ્કાર.